नमस्कार, टुडे प्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता सिंह। यूपी में 99 ग्राम प्रधान प्रत्याशियों की हो चुकी है मौत। आज फिर से वोटिंग, 11 मई को आएंगे चुनाव परिणाम। कोरोना काल में पंचायत चुनाव कराना कितना भारी पड़ा है, इसकी वानगी धीरे धीरे देखने को मिल रही है। कई जिलों में मतदान कर्मियों की चुनाव के दौरान मौत की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है वह चौंकाने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रधान पद के 99 प्रत्याशियों की मौत हुई है। इन सभी 99 ग्राम पंचायतों में आज चुनाव कराया जाएगा। मृतक प्रत्याशियों का जिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। कुशीनगर में 11, एटा में 1, गोरखपुर में 1, ललितपुर 1, भदोही 3, बाराबंकी 7, फिरोजाबाद 2, कौशाम्बी 4, मुजफ्फरनगर 1, वाराणसी 1, बहराइच 7, औरैया 3, जालौन 2, मिर्जापुर 4, बांदा 4, उन्नाव 4, बलिया 6, सीतापुर 1, कानपुर देहात 2, अमेठी 3, हमीरपुर 1, संभल 2, सिद्धार्थनगर 1, मऊ 2, अम्बेडकर नगर 1, कासगंज 2, सोनभद्र 5, बस्ती 3, बुलंदशहर 4, फर्रुखाबाद 2, मुरादाबाद 3, अलीगढ़ 2। बता दें कि जिन 99 ग्राम प्रधान प्रत्याशियों की मौत हुई है उनमें से कितने की मौत कोरोना से हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं है। इन सभी 32 जिलों के 99 ग्राम पंचायतों में आज चुनाव कराया जा रहा है। 11 मई को सभी 99 सीटों के लिए वोटों की गिनती होगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।